बाइक का ब्रेक, पीछे का ब्रेक शू, सामने का ब्रेक पैड, ब्रेक मैकेनिज्म सभी चेंज करना है दोस्तों। और इसका हेडलाइट मैं अभी उतारूंगा। हेडलाइट उतार कर इसका जो ये जो चाबी सिस्टम है ये खराब हो चुका है, इसको चेंज करना है। इसको पूरा गोटा चाबी के साथ में पूरा असेंबली चेंज करना है। उसका साथ साथ में टैंक का ढक्कन ये भी चेंज हो जाएगा। फिर ये जो है लॉक, सीट लॉक, वो भी चेंज हो जाएगा। क्लच वायर, एक्सेलेटर वायर, ये है सारा सामान यहाँ पे है। ये है पीछे का ब्रेक शू, ये भी चेंज हो जाएगा। ये है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक चेंज करता हूँ और आपको वीडियो कर करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अभी हेडलाइट खुलने वाला है। देखिए दो साइड का ढक्कन खोल दिया है, ये खोला है। इंडिकेटर के साथ में दूसरा मॉडल का है, तो अभी मैं हेडलाइट को भी खोल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद वीडियो लेता हूँ। एक देखिए दोस्तों, हेडलाइट हमने खोल दिया है। ये जो इसका की सेट है देख सकते हैं आप लोग, ये की सीट, ये लॉ वायर है, कनेक्शन है। इसका साथ में पुल चाबी का साथ में चेंज होगा। तो ये खोलने के लिए एक स्पेशल किट चाहिए, देख सकते हैं ये स्पेशल किट। ये देखिए ए स्पेशल टूल, सॉरी किट नहीं, स्पेशल टूल्स, इसका बिना मैं नहीं खोल सकता हूँ। तो ये देखिए, ये लेता है, इसका नंबर जो है T30। ठीक है, तो दोस्तों अभी खोल रहा हूँ। ये है स्पेशल टूल्स, ये स्पेशल टूल्स से यहाँ पे लगाकर मैं खोलूँगा। तो दोस्तों मैं खोल लेता हूँ, फिर वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने बोला ना स्पेशल सेट, ये देखिए इसके अंदर में स्पेशल स्क्रू नट है, ये है, उससे खोलना है। इसलिए हमने बोला स्पेशल टूल्स चाहिए इसका की सेट को खोलने के लिए। ओके दोस्तों, एक नट खोला हूँ और एक नट खोल के फिर मैं बताता हूँ आपको। की सेट खोल दिया है, देखिए ये बहुत सारा कार्बन सब है, खोल दिया है। अभी इसके बाद में मैं की सेट डालने से पहले मैं इसका एक्सेलेटर वायर और आपका क्लच वायर और चॉक केबल सब मैं बदली करने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों।